एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने की मांग की, लेकिन ईडी ने अपना रुख साफ कर दिया है। ईडी ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि ईडी का मकसद जांच करना नहीं है, बल्कि चुनाव के बीच में ईडी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना चाहती है, जबकि ईडी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ होनी चाहिए। तो आठवीं बार भी समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि 12 मार्च के बाद मुझसे पूछताछ की जाए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए, जिस पर ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं होगा, आपको फिजिकली हाजिर होना होगा। आठवीं बार ऐसा है जबकि कोई ना कोई कारण देके अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने शराब घोटाला मामले में पेश नहीं हुए हैं। कभी विपसना में जाने का प्रोग्राम, कभी विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ से बचते रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो क्या वजह है कि ईडी के पूछताछ से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि जबरदस्ती चुनाव के दौरान गिरफ्तारी करवाना चाहती है बीजेपी पार्टी, और इसीलिए इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसा कि लग रहा था, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सम्मन को स्किप कर गए हैं। ये आठवां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कि 12 मार्च को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल साहब, 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो अपने शीश महल के किसी पर्दे को खोल कर, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थरथर थरथर कांपते नहीं देखा है। आठवां सम्मन है, आप बार बार डेट आगे मांगते हैं, पहला सम्मन नहीं है, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और आठवें सम्मन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है। आप उसकी लीगैलिटी पे सवाल उठा रहे हैं जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है, इट्स ऑल लीगल। और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल तेज हो गई है। पवन सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद यानी कि रविवार को ही ट्वीट करके आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीएमसी ने पवन सिंह मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। अभी आसनसोल से अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में उतारा था। पवन सिंह की बड़ी फैन फॉलोइंग है और फिल्मों में अपने अभिनय और सिंगिंग के साथ ही उनकी संपत्ति भी करोड़ों में है। पवन सिंह की गिनती भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में होती है। तो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल तेज दिखाई दे रही है। पवन सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद ही यानी कि रविवार को बाकायदा एक ट्वीट किया, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि निजी कारणों की वजह से मैं आसनसोल सीट से